नेक्स्ट सेम थर्ड भी डेरिवेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस बोथ ऑफ देम. फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम. ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट साइज पॉजिटिव एंड पॉइंट साइज नेगेटिव चार्जेस. ये भी दोनों हमने डायग्राम्स में हमें दे रखे हैं. फिगर नंबर 38 आई गेस नोट्स का होगा, फिर भी मैं आपको चेक करके बता देती हूँ. या फिगर 38 ए में पॉजिटिव की वजह से दे रखा है कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स एंड नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. ये लेकिन फर्स्ट पार्ट ही है क्वेश्चन का. अभी सेकेंड पार्ट बाकी है. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एज वेल एज ड्यू टू टू अनलाइक चार्जेस. मतलब ड्यू टू टू लाइक चार्जेस एंड ड्यू टू डाइपोल. लाइक चार्जेस के लिए भी आपको फिगर 38 बी और 38 सी दोनों रेफर कर लेने के. एक है अनलाइक चार्जेस की वजह से डायग्राम और एक है लाइक चार्जेस की वजह से डायग्राम. राइट. फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ऑल राइट. फिफ्थ क्वेश्चन है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर. डायग्राम्स बनवाना, बाबा आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग. मेरे सिलेंडर को जज नहीं करना. और आई होप आपने वीडियोस भी जब चेक किए होंगे उसमें जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें डायग्राम्स वर टेरिबल. लेकिन कोई बात नहीं, आई एक्सेप्टेड. मैं ड्रॉइंग पे इस साल मेहनत कर रही हूँ, पक्का इस बार मुझे आ जाएगा इस ईयर. राइट. फिर भी मैं एक सिलेंडर बनाने का ट्राई करती हूँ जैसा आपको दे रखा है क्वेश्चन में. एक सिलेंडर है जिसपे पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड हैं और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है. अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. तो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स दिखाने के लिए हमें ऐसा ऐसा ड्रॉ कर देने का. दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. आपको ज्यादा ड्रॉ करनी है तो ज्यादा भी कर सकते हो. मैंने दो दो में काम चला लिया बिकॉज डायग्राम है. राइट. दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5. Sixth question हमारा application based question start हो जाते हैं, जो हमारे majority of them are based on electric field lines की properties. अब electric field lines पहले तो क्या होती है? What are electric field lines? Aryan Patel, would you like to answer what are electric field lines? Ma'am, let me frame it. Vaishvi, what are electric field lines? A path along which small positive charge would tend to move. That is the definition from the notes. Aapko samajh aaya hai Vaishvi ki what are electric field lines? Charge ke around the charges where the electric field influence can be felt. जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां हमें कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था उसको बताने के लिए. जैसे अगर मैं बोलूं सिलेंडर तो आपको क्लियरली दिखता ना कि सिलेंडर ऐसा शेप का होना चाहिए. राइट. स्क्वायर बोलूं तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड कि ये ऐसा चार साइड्स का ड्रॉ कर दो जिसमें इक्वल साइड हो सारी तो वो स्क्वायर होगा. तो सिमिलरली अगर मुझे कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आई डोंट नो कि वो कैसा था. तो हमने उसको इमेजिनरी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीख लिया. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक लाइन होती है? नो. वो पूरे उसमें एरिया में फैली हुई है. राइट. लेकिन हाँ, उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं? थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को?
All right. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, बहुत सारे लिस्ट आउट करके दे रखी है आपको नोट्स में. 1.4 का फर्स्ट पेज चेक करोगे तो देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. हम थोड़ी बहुत क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं, फिर इसके अलावा अगर आपको डाउट रह जाता तो यू कैन आस्क. राइट, फर्स्ट है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस. व्हाई? तो रीजन उसका ये है कि मान लो ये मेरा चार्ज है प्लस क्यू. अब एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैंने बात की थी, तो E was equal to KC Q by R square. Right? Electric field due to a point charge is given by KC Q by R square. तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो R डिस्टेंस के साथ सब धीरे धीरे कम हो रही है. Definitely, it is clearly visible from the formula that as R increases, electric field decreases. लेकिन जीरो कब होगी? When this R would become infinity. क्या suddenly zero हो जाएगी? नहीं, not possible. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सडनली जीरो नहीं होगी तो फील्ड लाइंस भी चलती रहेगी कंटिन्यूस. फील्ड लाइंस भी क्या है? कंटिन्यूस चलती रहेगी. हाँ, इन्फिनिटी तक जाते जाते फील्ड लाइंस गायब होने लग जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी देखा किसने? नोबडी. राइट, तो इन्फिनिटी तक जाते जाते वो जीरो हो जाएगी. इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स. ब्रेक आने का मतलब ये है कि यहाँ जीरो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर फिर से नॉन जीरो, यहाँ जीरो नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो, ऐसा ये चलता रहेगा. तो विच इज नॉट पॉसिबल. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, दे कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स. दे वैनिश आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन आर टेंड्स टू इंफिनिटी, ई टेंड्स टू जीरो. राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, दे कैन vanish as increase with distance, but they cannot become zero. Devesh aaj hamare sath pehli baar hai class mein. Devesh ne to koi videos dekhi hi nahi honge, nahi to koi idea bhi nahi lagega aaj. Devesh, by the end of the class, jab hamara class khatam ho jaye to you text me, main aapko jo bhi procedures follow karne hai wo explain kar dungi. Right, all right, moving on to next question. Why do the electrostatic field lines not form closed loops? इसका भी हमने discussion video में लिया था. वैसे तो हमारी एक property है positive charge और negative charge की, कि electric field lines start from positive charge and end at negative charge. Electric field lines start from positive charge end at negative charge. और वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं. क्यों? क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे स्टार्ट भी पॉजिटिव से हो रही है और वहीं पे आके एंड हो रही है, तो उसका मतलब पॉजिटिव भी वहीं पे और नेगेटिव भी वहीं पे. क्या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रिसाइड कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. अगर ऐसा पॉसिबल होता तो क्लोज लूप बन जाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. इसको हम लिखेंगे कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल इफ दे वर सपोज्ड टू फॉर्म क्लोज लूप्स. इफ दे वर सपोज्ड टू फॉर्म क्लोज लूप्स देन दैट मींस बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिसाइड्स एट द सेम प्लेस व्हिच इज नॉट पॉसिबल. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप्स, that means both the positive and negative charges reside at the same place, which is not possible. Nish, clear hai aapko? Yes ma'am. Good. All right, next question hai hamara. Two electric field lines never cross each other. Why? इसका भी एक रीजन है. इससे पहले एक स्टेटमेंट आता है जो टैंजेंट से रिलेटेड है. अक्षय, विल यू बी एबल टू टेल कि टैंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली ये टैंजेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ कैसे रिलेटेड था?
Tangent shows the direction of the electric field. At every single point or at that particular point? At that particular point. Yes, very good, Akshi. So if they intersect, and it means that it has two directions. So it is not possible that two electric field lines are intersecting. If they intersect, they will have two directions at one particular point. At one, yeah, yes. At one particular point. See, आप लोगों को definitely answer आते होंगे, physics भी अच्छा खासा आता होगा, लेकिन what you lack is the terms. अपने आंसर लिखते लिखते छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं. अब अक्षय को पूरा आंसर आता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन, ये हमारा जो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट बोलना रह गया, उसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे, राइट? तो प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप अपने आंसर लिखो, ये सारे छोटे 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 टेक्निकल पॉइंट जो उनका ध्यान में रखना है अपने को, राइट? ऑलराइट, अक्षय ने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, देन दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो इफ टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स पॉसिबल. एक इधर पॉइंट करता हुआ, एक इधर पॉइंट करता हुआ, रिप्रेजेंटिंग टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे होना पॉसिबल नहीं है. सो देयरफॉर टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. अपने इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते हैं. अपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा ये कि बात पहले गलत से चालू करो, फिर बोल दो ये गलत तो गलत ही है, तो सही वाला सही हो जाएगा. बात समझ जाना है, ऐसे इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना उसमें. Right, this is method of contradiction. लिखेंगे कैसे अगेन आंसर को. If two field lines cross each other, then at the point of intersection, there will be two tangents representing two directions of electric field, which is not possible. Right? Vaishvi, any doubts? All right. Bye. किसी को कोई डाउट है? यस मैम. यस उन्नति बोलो. मैम कैन यू रिपीट इट? यस डेफिनेटली. इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंटिंग टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Representing two directions of electric field at the same point, which is not possible. Thank you, ma'am. Welcome. All right. Moving on, next question. What is the angle between the direction of electric field at any axial point and any equatorial point due to dipole? Also give the ratio of their magnitudes when both the points have the same r. So for this, you first need to tell me the formula of E axial and E equatorial. Kaun batayega? Main poochti hu. Devarshi. Devarshi madam. Hai kya hamare sath Devarshi madam? Yes. She's there. Yeah. Devarshi, do you know what is the formula for E axial? E axial and E equatorial. Jaydev, please stop changing your background. ये Devarshi चली गई, गायब होगी मेरी स्क्रीन पर से. हनी आई है. हनी वीडियो भी चालू नहीं है तो प्रेजेंस चेक भी हो जाएगा कि आप हो कि नहीं हो. तो आप मुझे बता सकते हो ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या है? ई मैम ई एक्सियल इज इक्वल्स टू टू इक्वेटोरियल. नहीं, फॉर्मूला चाहिए अभी तो. ये तो तुमने सीधा आंसर ही दे दिया, हमारा सस्पेंस खत्म कर दिया. शिट, फॉर्मूला याद है हनी? नहीं मैम याद नहीं है. देख के बता दो. चलो
एक मिनट मैम. वन पॉइंट फोर के थर्ड पेज पे मिलेगा आपको नोट्स में. मैम थर्ड पेज पे तो डायरेक्ट वो डेरिवेशन ही है. हाँ वो डेरिवेशन में मिलेगा. वहाँ पर मैम नहीं मिल रही. डेरिवेशन में देखो तो फाइनल कंक्लूजन होंगे कि एक्सेल ई इक्वेटोरियल आपने डिराइव कराया था तब था मतलब आपने लिखवाया था. मैम 2 केपी अपॉन आर क्यूब. यस वेरी गुड. 2 केसी पी वेक्टर बाय आर क्यूब एंड ई इक्वेटोरियल इज माइनस केपी अपॉन 3 आर क्यूब माइनस केसीपी. अरे ये जो के दिख रहा है ना आपको दिस इज नथिंग बट केसी ओनली कोलंबियन कांस्टेंट है. वो नोट्स में थोड़ा चेंज करना रह गया यार सॉरी. मानवेंद्र को मजा आ रहा है. हाँ मैम भी गलतियां कर देती है नोट्स में कोई बात नहीं. लेकिन बुक्स में एक्चुअली वो के ही दे रखा होता है. ये गुजरात बोर्ड का स्टाइल हमने उठाया है. गुजरात बोर्ड में वो केसी लिखते हैं विच इज एक्चुअली गुड. Why? क्योंकि इसको ये के और वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें. गुजरात बोर्ड कहीं तो अच्छा है हमसे right? तो E axial is 2 kcp vector by r cube. E equatorial is minus kcp vector by r cube. और इन दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करूं तो जैसा हनी ने हमारा सस्पेंस खोला वैसे ही हम बोल देंगे E axial is 2 times इक्वेटोरियल. ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्चुअली कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. तो रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं फिर से क्वेश्चन के. आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. उसको कंपेयर करने के लिए कितना 180 डिग्री एंटी पैरेलल 180 डिग्री परफेक्ट है. ई एक्सियल इज पैरेलल टू पी वेक्टर एंड ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल. ये हमें साइन के थ्रू पता चला है कि ई एक्सियल इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पी वेक्टर. सिंस यहां पे एक नेगेटिव साइन है तो ई इक्वेटोरियल इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर. तो सिंस एक पैरेलल है एक लेफ्ट में एक्ट कर रहा है दूसरा राइट में एक्ट कर रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू. 180. थैंक यू सो मच. डांस करने से रोक दिया आपने मुझे. द एंगल बिटवीन द टू इज 180 डिग्रीज. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. मैम एक डाउट है. यस मैम आपने लिखवाया था उधर कि ई एक्सियल इक्वल्स टू माइनस टू इक्वेटोरियल तो मतलब वो लिखे तो चले मतलब सही होगा या फिर right. All right, moving on. Next, 10th question. Two charges. Actually, ये वाला जो question है ना, ये repeat है. 1.3 में आपको एक ऐसा question आया होगा. लेकिन I don't think आप लोगों ने solve किया होगा अभी तक. हाँ, इनने smile दे दी. समझ आ गया मुझे आगे. वाह, उन्नति भी. All right. मैं फिर से एक ये question आप 1.3 के 7th questions I guess check कर लेना. उसमें डायग्राम बना के दे रखा है इसमें डायग्राम नहीं दे रखा. दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट. टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट आर सच दैट देयर इज अ पॉइंट वेयर द फील्ड वैनिशेस. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द चार्जेस Q1 एंड Q2. सिर्फ एक कंक्लूजन पूछा है. सोहम को कोई डाउट है? मेरे को आवाज नहीं आ रहा आपका. वो गलती से कुछ डाउट नहीं है मैम. ऑलराइट तो फिर लोअर कर दो उसको. अब अगर दो चार्जेस हमें दे रखे हैं Q1 एंड Q2 और हमें बोल रखा है कि देयर इज नो पॉइंट बिटवीन. यहाँ पे वर्ड्स मिसिंग है. देयर इज नो पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस. There is no point between the two charges where electric field vanishes. So, agar field vanish hona, matlab net field zero na. What do we call such points where the net field is zero? Neutral points.
न्यूट्रल पॉइंट्स, वेरी गुड, नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स हम बोलते हैं। और अगर न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई नहीं कर रहा है, बाहर की साइड पे लाई कर रहा है, तो दोनों चार्जेस का साइन कैसा हो जाएगा? अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, देयर ऑफ ऑपोजिट साइन, बोथ द चार्जेस q1 एंड q2 आर ऑफ ऑपोजिट साइन। और न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाई क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। अगर मान लो ये +1 कूलम है और ये -3 कूलम है, ऐसा अगर हमें चार्जेस दे रखे हैं, तो डोंट कंसिडर कि ये छोटा है, नो, इसका सिर्फ साइन नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा ही है। तो न्यूट्रल पॉइंट इस सिनेरियो में लेफ्ट में आएगा, नॉट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, क्लियर है ये? न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाई क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज हैविंग हुज मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर, नॉट द पूरा एल्जेब्रिकली आपको देखने का उसको। All right, moving on, next question. 11th question पे आ गए हैं हम। The distance of the field point on the axis of a small electric dipole is doubled. By what factor will electric field due to dipole change? अभी हमने ये तो बहुत बार कर दिया कि electric field is inversely proportional to r cube. तो अगर आप distance बढ़ाते हो, distance को double करते हो। डिस्टेंस अगर डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बिकम 8 times, right? लेकिन इसको लिखने का तरीका है, सीधा आंसर नहीं लिख के आ जाना, मैं लिखने का तरीका समझा देती हूँ। E is proportional to 1 by r cube, E dash is proportional to 1 by r dash cube, E upon E dash is equal to r dash cube upon r cube. R dash का वैल्यू है डबल, राइट, 2R, तो 2R का होल क्यूब अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू 8R क्यूब अपॉन R क्यूब। तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, E dash becomes 1/8 times E, ऐसे आपको लिख के रिप्रेजेंट करना है इसको। सो हम क्लियर हुआ, गुड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसके बाद वाला क्वेश्चन 12 हम करेंगे। टू डाइपोल मेड ऑफ चार्जेस +Q, -Q, and +Q, -Q रिस्पेक्टिवली हैव इक्वल डाइपोल मोमेंट्स। Give the ratio of the separation of the two pairs of the charges. अगर कोई भी हो गया ना, ये क्लियर कर दो इसको। All right. अगर हमें गिवन है कि दो इक्वल वेक्टर्स हैं हमारे पास, इक्वल वेक्टर्स होने का मतलब, मैं आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 4 का नॉलेज यूज करती हूँ। यस युवराज, कोई डाउट है? All right. अगर दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं तो उसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों के डायरेक्शन भी सेम है। हम उन्हीं वेक्टर्स को इक्वल बोलते थे विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, राइट? तो P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर। ईशान खंडेलवाल, आर यू देयर इन क्लास? अनम्यूट करो। मैंने किया, बोलो ईशान, व्हाट इज पी वेक्टर? नहीं, आपका माइक्रोफोन ठीक नहीं है मुझे लगता है। We are not able to hear you, Ishan. Please, मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फिर। ये जश देसाई भी है मेरे साथ क्लास में। जश, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज पी वेक्टर। इतने लोग ढूंढने लग गए हैं, देख। जश बोलो।
मैम नहीं पता है, नहीं पता, मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई टुक वाज दिस डाइपोल मोमेंट। ये कौन बोला? जयदेव होएगा पक्का? नहीं, आरविन था। आरविन था क्या? पी वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट। मानवेंद्र कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट? Two point size charges of opposite sign separated by a distance 2L. No. That is not dipole moment. That is electric dipole actually. Priyal Panchal, please madam, aap bata do, bahut umeedon ke saath aayi hu main. Please, what is dipole moment? नहीं पता मैम। अरे बाबा ऐसे कैसे चलेगा? अनुपम बाबा, अरे बाबा बोलो मैम, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट ऑफ वो इधर चार्ज एंड लेंथ। किसकी लेंथ? मेरी तुम्हारी? किसकी? ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ डाइपोल। यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है। तो पी वेक्टर वाज डिफाइंड एज क्यू इनटू 2a, ऐसा था। It is the product of magnitude of either charge and the length of the dipole, right? So q into 2a. पहला dipole हमारा जो है उसमें charge है q और length मेरे को पता नहीं है तो मैं उसको 2a1 लिख देती हूँ। दूसरा जो dipole है उसमें charge है capital Q और length मुझे पता नहीं है तो मैं 2a2 लिख देती हूँ। दोनों का ratio ले लो, 2a1 by 2a2 is equal to capital Q by small q. So the ratio of separation between the charges is q is to q. Simple, right? Second part of this question ka, what is the angle between the dipole axis of these two dipoles? So since they are equal vectors, since they are equal vectors, they have same direction as well. So the angle between them is 0 degrees, right? Clear? 12th question done. So my homework sheet to bahut jaldi khatam hogi. हाँ, अभी न्यूमेरिकल वैसे इक्वल टाइम ले लेंगे। चलो 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। ये हमारा 12th क्वेश्चन था। थर्टींथ क्वेश्चन, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb and minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. So, एक मेरा ये charge है 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. दूसरा charge है minus 2.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. A pair of equal and opposite charges known as dipole. Right? तो ये हमारा electric dipole हमें given है question में. They are located at distances, नहीं sorry, coordinates 0, 0, -15 cm and 0, 0, +15 cm. ये coordinates given है हमें। हमें पूछा है what is electric dipole moment of the system? 13th question है हमारा। Electric dipole moment का अभी ताजा हमने formula सीखा कि it is q into 2a. और पी कैप इज इट्स डायरेक्शन। पी कैप इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब क्यू चार्ज का वैल्यू तो कितना है? 2.5 × 10⁻⁷ एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस? 30 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, इट इज 30, 0.3 meters. तो 0.3 लेना पड़ेगा हमें। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 0.3 meters और इसकी डायरेक्शन में देखूं तो आप चेक करोगे तो डायपोल कौन से एक्सिस पे है? एक्स अलोंग द एक्स। नहीं बाबा, ये कैसा मैथ पढ़ के आए हो? तो अगर डायपोल हमारा जेड एक्सिस पे है तो जो हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो भी जेड एक्सिस पे होगा एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। प्लस जेड कैप से
माइनस डेड गैप की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन क्या लग जाएगा? माइनस डी गैप. डायरेक्शन क्या आ जाएगा? माइनस डी गैप. जयदेव मैम वो छोटा सा बच्चा था. वॉट एवर इट इज. तो अगेन इसको सॉल्व करने पे दिस वुड बी 0.75 एक्चुअली. माइनस के कैप कूलम मीटर. ये सेंटीमीटर नहीं है प्लीज. चल मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बोला होगा, डोंट गेट इट कंफ्यूज विद सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर. राइट, कैपिटल सी स्मॉल एम. दिस वुड बी रिटन एज 7.5 इनटू साइंटिफिक नोटेशन में डालने के लिए 7.5 इनटू 10 रेज टू माइनस 8 माइनस के कैप कूलम मीटर. सबको मेरी आवाज ऐसे कट कट के आ रही है या आर यू एबल टू हियर मी? जब पे मे बी इट्स योर इंटरनेट कनेक्शन, मेरी साइड से सब ठीक है. आई एम रियली सॉरी. हाँ मुझे थम्स अप भी मिल गए हैं बहुत सारे. अनुपम सेम विद यू. दो लोगों को मेरे को बहुत सारे थम्स अप मिल रहे हैं. नहीं ध्रुविल को भी ऐसा ही आ रहा है. सही है ध्रुविल, ठीक है, ऑल राइट. थैंक यू सो मच. चलो 14th क्वेश्चन करते हैं हम ट्राई. मैम एक सेकंड रुको लिखना है. अच्छा ऑल राइट. अरे हार्विन की मेथड, कम ऑन. स्क्रीनशॉट. यस प्लीज डू दैट. नहीं तो जल्दी जल्दी लिख लो, वैसे तो क्वेश्चन छोटा ही है. नहीं ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया. ऑल राइट, लेकिन प्लीज लिख देना. हरविन से मैं उम्मीद करती हूँ बाद में जाके लिख देता है, स्मार्ट बच्चा है. मैंने तो 1.3 तक लिख दिया है. अरे वाह हरविन, क्लासरूम है ना जो हमारा गूगल क्लासरूम, उसमें होमवर्क सबमिट कर दे अपना, चेक हो जाए. कर देते आज. हाँ उसमें सबमिट कर दो. क्लास छोड़ के जाना तो तेरी मर्जी है, तू सोचिए. नहीं सिर्फ मिनिमाइज होगा, कैमरा बंद हो जाएगा, बाकी सुन पाऊंगा मैं. नहीं नहीं तू डिस्ट्रैक्टेड रहते है वैसे भी. नेक्स्ट 14th क्वेश्चन. टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट. अगेन प्लस माइनस दे रखे हैं हमें और उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत छोटा सा है. हमारा ये कौन सा केस है फिर से? डायपोल वाला. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस 10 माइक्रोकुलम, दिस इज माइनस 10 माइक्रोकुलम और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर. नेक्स्ट है इसमें डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. इस साइड पे बहुत दूर एक है पॉइंट, उसका नाम है P, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? 15 सेंटीमीटर. देखो आपको जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, 2kcp वेक्टर बाय आर क्यूब एंड माइनस kcp वेक्टर बाय आर क्यूब, दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन आर, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज मच मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. तो इस सिनेरियो में इट इज एप्लीकेबल. व्हाई? क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में गिवन है और वो हमारा डिस्टेंस क्या है? मिलीमीटर्स में गिवन है. तो वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे उसमें नहीं हो सकता ऐसा सीधा, ठीक है? करेंगे वो भी नो डाउट, लेकिन मैं आपको पहले से बता के रख देती हूँ कि दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला 2kcp वेक्टर बाय आर क्यूब एंड माइनस kcp वेक्टर बाय आर क्यूब इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन 2a. राइट, तो यहाँ पे हमें पहला तो ई एक्सियल पूछा है. ई एक्सियल इज नथिंग बट 2kcp by r cube. kc का वैल्यू अरे इस क्लास में देखते हैं, चेक करते हैं. चलो यथार्थ अग्रवाल आर यू देयर? कुछ लोग मुझे लगता है सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ जाते हैं इधर. यथार्थ प्लीज रिप्लाई वाया चैट, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने माइक को तो.
अवि यस मैम ऑल राइट अवि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी अक्षत यस मैम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी My God, Arma. Yes, ma'am. Arma, what is the value of KC? 9×10⁹. I'm to thodi izzat rakhi aaj tumne class ki. Baba KC to shuru se padhte hue aa rahe hain is chapter mein hum. Chauthe session pe pahunch gaye hum. KC to aana chahiye aapko. Right? तो द वैल्यू ऑफ केसी इज 9×10⁹ पी की जगह आज की क्लास में मैंने सिखाया कि इट इज क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब क्यू का वैल्यू है 10×10⁻¹ और 2a द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5mm×10⁻³ अपॉन Distance from the center is 15 cm. So 15×10⁻². देखो मैंने गलती नहीं की है मैंने हर चीज को मीटर्स में कन्वर्ट किया हर डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट किया तो यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर दिस कि हमें SI सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी है मैंने देखो चार्ज जो लिया 10 μC गिवन था मैंने उसको लिखा 10×10⁻⁶2a the distance between the two charges is given by 5mm so maine usko bhi likha 5×10⁻³ to convert it into meters similarly ye distance mujhe given hai 15 cm I have converted it into 15×10⁻² right to aapko bhi sab kuch aisa hi system mein rakhna hai one more thing jo bahut sare bachche galti karte hain bahut sare ki ye jo 2a hai na log kya karte hain 2×5 फिर बोलते मैडम मेरा आंसर जस्ट डबल आ रहा है आई मल्टीप्लाई कर दिया करना नहीं है टू इज द कंप्लीट डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि आपको 2×5mm करना है आपको सीधा 2a को 5mm राइट भूल नहीं जाना प्लीज एक टू क्या क्या कर सकते हैं आप लाइफ में देख सकते हो आंसर पूरा गलत हो जाएगा Alright, moving on. इसको cancel cancel कर solve तो कर दूँगी. अब मैं बार-बार तेरे नाम नहीं लेके बोलूँगी. फिर से इसको solve कर देना. Answer आ जाएगा आपका. Next इसी में second part है question का. Second part है question का a point Q 15 cm away from O on a line joining. On a line passing through O and normal to the axis of the dipole, that is the equidural point. It is nothing but ये वाले point की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Q point उन्होंने ले लिया है एक, which is at which what distance? Same 15 cm पे। अच्छा, अगर ये same distance पे, तो हमारे पास एक और अच्छी trick है। Can anybody guess? देखो ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर था ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर है क्या नहीं मुझे गेस मैं इजीली कैसे कर सकती हूं EX is equal to 2×equatorial ये कौन बोल रहा है मेरे को नाम तो बताओ ऐसे ऐसे नहीं पता चलेगा मानवेंद्र यस मानवेंद्र बोलिए EXL is equal to 2×equatorial EX परफेक्ट मानवेंद्र वेरी गुड परफेक्ट आंसर है EXL is equal to 2E equatorial when Both the distances are the same. ये भी 15 सेंटीमीटर है, वो भी 15 सेंटीमीटर ही है। तो मैं सीधा ही कह सकती हूँ, E equatorial is E axial का half. तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो भी आंसर आया है, उसका half कर दो। Whatever your answer is, उसका just half कर दो। Right? चिंतन पटेल, अरे जाग रहे, अरे वाह, nod तो कर रहा है। चिंतन, what is the SI unit of this electric field. हाँ अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा बाकी मैं लिपसिंग समझने में ज्यादा अच्छी नहीं हूं अनम्यूट तो करना पड़ेगा दोस्त सोच रहे हैं
इतने में तो लोगों ने पेजेस पलट के देख डाला बाहर. निधि निधि मडलानी मैडम, न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम, परफेक्ट. तो जो आंसर लिखो उसके एंड में न्यूटन पर कूलम लिख देना. जिन जिन से आज मैंने क्वेश्चन पूछा और आप आंसर नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्लास भी मैं ही होने वाली हूँ यहाँ पे, याद रखूंगी मैं ये सब चीजें. बाय नेक्स्ट क्लास, याद रख लेना, नहीं तो देख लेना मैं रिमूव कर दूंगी सीधा मीटिंग में से. मैम ऐसा यूनिट थोड़ी दिक्कत पड़ती है, बाकी कोई बाकी तो सब कुछ आता है चिंतन को, है ना. ऑल राइट मैम. कौन है अभी? मैम ध्रुविल. यस ध्रुविल बोलो. मैम ये कैल्सी से किया वो आंसर गलत, टेक्स्ट बुक से मैथ नहीं हो, यानी नोट से मैथ नहीं. हाँ मैम. आर क्यूब करना मैम. क्यूब नहीं किया इसलिए. हाँ आर क्यूब करना. सॉरी माय माय मिस्टेक, आर क्यूब था वो. अब हो जाएगा ध्रुविल. Moving on, last 15th question. कितना टाइम बाकी है? अरे 5 मिनट और है मेरे पास. Wow. 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude again 10^-8 and -10^-8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the magnitude of electric field at point A, B, C. Very big question. Very big. Actually, इसमें आपको हमने जो अभी तक थर्ड सेशन सेकंड सेशन में किया है वही करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है. मैं स्टार्ट करती हूँ, जितना टाइम परमिट करता है हम उतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे. ठीक है. -10^-8 कूलम है यहाँ पे है -10^-8 कूलम. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.1 मीटर. पहला पॉइंट जो ए है वो शायद इनके मिड पॉइंट पे हमें गिवन है, दैट इज 0.05 मीटर एंड दिस इज आल्सो 0.05 मीटर. ये हमें पहला सिचुएशन गिवन है, बाकी मैंने पूरा डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं किया है, मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ. फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगेन ये प्लस है ये माइनस है, इसको मैं कुछ नाम दे रखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखा है, तो मैं इसको पी बोल देती हूँ, इसको क्यू बोल. ई एट ए वुड बी बिकॉज ऑफ टू चार्जेस, दैट इज ई एट ए ड्यू टू पी प्लस ई एट A due to Q by principle of superposition. Simple logic. E at A is equal to E at A due to P plus E at A due to Q. Jineet Patel, good morning. Good morning, ma'am. Yes, please. आप मेरी help कीजिए इसमें कि E at A due to P का magnitude क्या होगा? नहीं पता. अरविंद पटेल, यस. केसी क्यू वन अपन 0.05 का होल स्क्वायर. परफेक्ट अरविंद. केसी क्यू का आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है, तो केसी क्यू की जगह आ जाएगा 10^-8 अपॉन आर की जगह आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर. और हार्वर्ड में शायद डायरेक्शन भी बोली एपी कैप या पीए कैप कुछ भी पता नहीं. एपी कैप नहीं होगा हार्वर्ड, एपी कैप गलत है, इट वुड बी पीए कैप क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. तो आउटवर्ड्स है तो ये फील्ड यहाँ लग रही होगी बाहर की तरफ, उसको आगे लेकर जा रही है. तो ई एट ए ड्यू टू पी, इसका डायरेक्शन PA cap लिख देंगे हम, प्लस E at A due to Q. जिनीत अभी तो ट्राई कर दे, अब तो फॉर्मूला भी बता दिया. KC
Q1 Q2 upon हाँ Q1 Q2 फोर्स में आता है फोर्स में Q है वो है सेम ही रहेगा मैम सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा Kc 10 raise to minus 8 upon 0.05 का होल स्क्वायर डायरेक्शन सेम इसका डायरेक्शन क्या आएगा सेम सेम ये क्या इट वुड बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स माइनस 10 E at A due to Q is radially inwards. तो वो भी आ जाएगा P A क्या इस डायरेक्शन को भी हम नाम दे देते हैं P A क्या अगेन सॉल्यूशन कर दोगे सॉल्व कर दोगे ये चिंतन ये एसी का वैल्यू क्या होता है यार 9 into 10 raised to power 9 अरे वाह ये तो पता चल गया देखो आता है तो यूनिट नहीं आता Kc is 9 into 10 raised to 9 value substitute karo aage further solve kar to answer aa jayega we will do this here up till here we will end our class next time ec aap log find karke aao nahi aayega to apne doubt mein lenge right offline classes kab se